बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम रिवीजन कर रहे हैं बाब अव्वल की और पेज 4 की। आपके पेज पर ये 3 सूरतें हैं जिसमें सूरह फातिहा है, सूरह इखलास है और सूरह नज़र है। आप सब बच्चों ने इन सूरतों को रिवाइज़ करना है। मैंने आपको इनके लिंक्स भेजे थे, उम्मीद करती हूँ कि आपने इन्हें याद कर लिया होगा। सूरह फातिहा जो है कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है और ये पहले पारे में है। इसकी टोटल 7 आयात हैं और इसको याद करना बहुत आसान है क्योंकि ये तो कुरान पाक की पहली सूरत भी है और हम इसको नमाज में भी अदा करते हैं, तो ये बहुत ही आसान सूरत है। हम इसकी दोहराई करते हैं, उसके साथ आपने इन तीनों सूरतों को याद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। ये सूरह फातिहा है। अगली सूरत है सूरह इखलास, ये भी कुरान पाक की सूरत है और ये 30वें पारे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इसकी 4 आयतें हैं। अगली सूरह सूरह नसर है, ये भी कुरान पाक की सूरत है, सब बच्चों ने इसको भी याद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल्फत वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا। इसकी 3 आयात हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कुरान पाक की सूरतें हैं जिन्हें आपने ज़बानी याद करना है और आज का आपका यही काम है कि अब आपकी रिवीजन स्टार्ट होगी, आपके चैप्टर्स मुकम्मल हो गए हैं। तो हमने बाब अव्वल से अपनी रिवीजन स्टार्ट की है, पेज 4 हिफ्ज़े कुरान। ये 3 सूरतें हैं जो आपने याद करनी है। तो अल्लाह हाफिज़।